जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से, और कोई वजह नहीं है। नवाज शरीफ को जनरल आसिम बाजवा से तकलीफ कुलभूषण की गिरफ्तारी की वजह से हुई। शहबाज गिल के वार, कहा परवेज रशीद कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते थे। नवाज जनरल खुफिया मुलाकात में कुलभूषण पर जो बात हुई वो दुनिया जानती है। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और बेटों को जमानत मिल गई। 20,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। निहाल हाशमी को सिटी कोर्ट पहुंचाया गया तो अदालत में वकला ने पुलिस पर चढ़ाई कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर को कमरे अदालत से धक्के देकर निकाल दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक बारिश का पानी जमा। मीरपुर खास में झुग्गियां बह गईं। शफी मोहम्मद गोड़ के मकीनों को अब तक हुकूमती मदद का इंतजार। अगले 3 माह मुल्क में बारिश कम, दर्जा हरारत ज्यादा होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई, मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर में स्मोक का राज रहेगा। शहरी इलाकों में फिजाई आलूदगी की सतह बढ़ जाएगी। फसलों को पानी की कमी का सामना होगा।